गुड मॉर्निंग स्टेट पास, दिस इज चेतन यादव बिफोर यू। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ। आई एम फ्रॉम स्टेट पास स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर। सो गाइज, आज हम बात करेंगे नॉट ओनली पीडी स्पोकन। द वर्ड इज यूज ऑफ देर इज देर आर। द वर्ड इज यूज ऑफ देर इज देर आर। यस, हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज देर इज एंड देर आर। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग इसको हिंदी टू इंग्लिश रटवाते हैं, बट नो, हियर यू हैव टू लर्न द यूज ऑफ इट। तो देर इज देर आर का यूज, इसका यूज होता है टू डिस्क्राइब समथिंग और डिस्क्राइब समवन, द प्लेस एंड पोजिशन। टू डिस्क्राइब समथिंग और समथिंग इट्स प्लेस एंड पोजिशन। अगेन अगेन, डिस्क्राइब समथिंग और समवन इट्स प्लेस एंड पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर इज, इसका स्ट्रक्चर होगा देर इज एन आर प्लस थिंग्स प्लस प्लेस, जहाँ पर वो है। अगर कोई सी एक चीज़ है तो हम यूज़ करेंगे देर इज, और अगर कोई सी एक चीज़ से ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे देर आर। जैसे एक बुक है तो देर इज, तीन बुक है तो देर आर, क्योंकि तीन है, एक से ज़्यादा है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो डिस्क्राइब थिंग्स, चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो कहाँ है और कितनी मात्रा में है। लेट्स स्टार्ट क्लासरूम। हम इस क्लासरूम की बात करते हैं। अभी मेरे सामने इस क्लासरूम में क्या है? इस क्लासरूम में दो फैन है। अब दो फैन है तो क्या होगा सेंटेंस? देयर आर टू फैंस इन दिस क्लासरूम। देयर आर क्यों यूज हुआ? देयर आर इस सेंटेंस में इसलिए यूज हुआ, क्यों? क्योंकि दो फैन है। अब फैन का प्लोरल होगा फैंस, क्योंकि एक फैन है तो सिंगुलर हो गया, दो फैन है तो प्लोरल हो गया, तो वर्ड में क्या लगेगा? एस, फैंस। देयर आर टू फैंस इन दिस क्लासरूम। अभी मेरे सामने एक कैमरा है, एक कैमरा है, दो नहीं है, तो सेंटेंस क्या होगा? देयर इज वन कैमरा बिफोर माई आइज। देयर इज वन कैमरा बिफोर माई आइज। यहाँ पर इस क्लासरूम में बहुत सारी चेयर्स है। अब बहुत सारी चेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज होता है मैनी। तो सेंटेंस हुआ देयर आर मैनी चेयर्स इन दिस क्लासरूम। देयर आर मैनी चेयर्स इन दिस क्लासरूम। इस क्लासरूम में एक एसी है, एक एसी है, तो सेंटेंस होगा देयर इज वन एसी इन दिस क्लासरूम। हेलो हेलो, क्या होगा सेंटेंस? देयर इज वन एसी इन दिस क्लासरूम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो भारत में एक स्टेट नहीं है, एक राज्य नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं। तो क्या होगा सेंटेंस? देयर आर, आर क्यों यूज होगा? क्योंकि बहुत सारे हैं, एक नहीं है। देयर आर मैनी स्टेट्स इन इंडिया। क्या होगा सेंटेंस? देयर आर मैनी स्टेट्स इन इंडिया। इन द सेम वे, उसी तरीके से भारत में एक रिवर नहीं है, बहुत सारी रिवर्स है। तो क्या होगा सेंटेंस? देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। बहुत सारे विलेजेस हैं, तो सेंटेंस होगा देयर आर मैनी विलेजेस इन इंडिया। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो विलेजेस इंडिया में है। देयर आर मैनी विलेजेस इन इंडिया। बात करते हैं हम इंदौर शहर की, तो इंदौर एक स्कूल है क्या? इंदौर में नहीं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो सेंटेंस होगा देयर आर मैनी स्कूल्स इन इंदौर। इन इंडिया नहीं, हम इंदौर की बात कर रहे हैं। देयर आर मैनी स्कूल्स इन इंदौर। एक कॉलेज है क्या इंदौर में? बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो क्या होगा सेंटेंस? देयर आर मैनी कॉलेजेस इन इंदौर। देयर आर मैनी कॉलेजेस इन इंदौर। एक गार्डन है क्या? नहीं, बहुत सारे गार्डन्स हैं। तो सेंटेंस होगा देयर आर मैनी गार्डन्स इन इंदौर। देयर आर मैनी गार्डन्स इन इंदौर। उसी तरीके से अगर मैं अपने होम की, अपने घर की बात करूं, तो मेरे घर पर एक टीवी है, तो सेंटेंस होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हेलो हेलो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपने होम की, घर की। तो सेंटेंस होगा देयर इज वन टीवी एट माय होम। देयर इज वन टीवी एट माय होम। मेरे घर पर एक बाइक है, तो सेंटेंस होगा देयर इज वन बाइक एट माय होम। एक कार है, देयर इज अ कार एट माय होम। मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, तो सेंटेंस होगा There are 5 members. There are 5 members in my family. तो ये तो sentence था positive. There is and there are. There is and there are. अब हम एक sentence बनाते हैं negative. There isn't and there aren't.
ये isn't, is not का शॉर्ट फॉर्म है और ये aren't, are not का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब हम is not भी बोल सकते हैं और isn't भी बोल सकते हैं, बट हमें बोलना सीखना है isn't, बिकॉज इट इज़ शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म सीखने से हमारी प्रोनंसिएशन स्किल्स इंप्रूव होती है। तो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? isn't, क्या है? isn't, और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म aren't, क्या है? aren't। तो मैं बोल रहा हूँ इज नॉट, आपको बोलना है शॉर्ट फॉर्म isn't, इज नॉट isn't, is not isn't, is not isn't, are not aren't, are not aren't, are not aren't। तो हम सेंटेंस बनाएंगे कि क्या नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्लासरूम। अभी मैं देख रहा हूँ कि इस क्लासरूम में कूलर नहीं है, एक कूलर नहीं है। तो सेंटेंस क्या होगा? देयर isn't कूलर इन दिस क्लासरूम। देयर isn't कूलर इन दिस क्लासरूम। इस क्लासरूम में अभी टीवी नहीं है, तो क्या होगा सेंटेंस? देयर isn't टीवी इन दिस क्लासरूम। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या नहीं है? क्या अब इंडिया में बुलेट ट्रेन है? अभी नहीं है। तो सेंटेंस होगा देयर isn't बुलेट ट्रेन इन इंडिया। देयर isn't बुलेट ट्रेन इन इंडिया। मैं अपने होम की बात करता हूँ, मेरे घर पर गाय नहीं है, काऊ नहीं है। तो सेंटेंस होगा देयर isn't काऊ एट माई होम। अगर आपके घर पर है, आपके घर पर है, तो क्या होगा? देयर इज अ काऊ एट माई होम। मेरे घर पर नहीं है तो क्या होगा सेंटेंस? देयर isn't अ काऊ एट माई होम। मेरे घर पर डॉग भी नहीं है, सेंटेंस होगा देयर isn't अ डॉग एट माई होम। देयर isn't अ डॉग एट माई होम। अगर इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हेलो इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो सेंटेंस होगा देयर isn't एनी कन्फ्यूजन इन दिस लेक्चर। देयर isn't एनी कन्फ्यूजन इन दिस लेक्चर। तो ये हुआ यूज देयर इज देयर आर का। इफ समवेयर इज अ वन थिंग सो देयर इज, इफ समवेयर देयर आर मेनी थिंग्स सो देयर आर। ये तो हुआ सिंपल और नेगेटिव, वॉट इज देयर एंड वॉट isn't देयर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज देयर एंड व्हाट आर देयर, इज देयर और आर देयर, तो इज और आर आगे यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा इज देयर। अगर किसी एक चीज के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज देयर, जैसे एक चीज के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या इस क्लासरूम में टीवी है? तो सेंटेंस होगा इज देयर टीवी इन दिस क्लासरूम, नहीं है। तो आंसर होगा नो देयर isn't टीवी इन दिस क्लासरूम, नो देयर isn't टीवी इन दिस क्लासरूम। और अगर एक से ज्यादा चीजों के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन होगा आर देयर मेनी चेयर्स इन दिस क्लासरूम। क्वेश्चन होगा आर देयर मेनी चेयर्स इन दिस क्लासरूम। अगर है तो यस देयर आर मेनी चेयर्स इन दिस क्लासरूम, नहीं है तो नो देयर आरंट मेनी चेयर्स इन दिस क्लासरूम। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इंडिया के बारे में। आर देयर मेनी विलेजेस इन इंडिया? यस, क्या होगा आंसर? यस देयर आर मेनी विलेजेस इन इंडिया। Are there many states in India? Yes, there are many states in India. Are there many cities in India? Yes, there are many cities in India. Are there many rivers in India? Yes, there are many rivers in India. अब मैं अपने आपके घर के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके होम के बारे में। आपके घर पर is there a dog? अगर है तो yes, there is dog at my home. नहीं है तो नो देयर isn't अ डॉग एट माई होम। इज देयर अ काउ एट योर होम? आपके घर पे गाय है? अगर है तो यस देयर इज अ काउ एट माई होम। नहीं है तो नो देयर isn't अ काउ एट माई होम। इज देयर अ टीवी एट योर होम? टीवी है? अगर है तो हेलो अगर है तो यस देयर इज अ टीवी एट माई होम। नहीं है तो नो देयर isn't अ टीवी एट माई होम। तो मैं फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इज देयर आर देयर, इज देयर अ काउ एट योर होम, इज देयर अ डॉग एट योर होम, इज देयर अ बाइक एट योर होम, इज देयर अ कार एट योर होम। अबाउट इंडिया, अब इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आर देयर मेनी विलेजेस इन इंडिया? Are there many rivers in India? Are there many cities in India? That you are answering me, yes or no. तो ये use था use of there is and there are. So there is and there are ये use होता है to describe things or something or someone. कहीं पर जो है, अगर एक है तो there is, एक से ज़्यादा है तो there are. Thank you so much for listening me and please
वॉच आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टेट फास्ट इंग्लिश क्लब, स्टेट फास्ट इंग्लिश क्लब। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए और आपके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी न्यू अपडेशन्स होते रहे उसका आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।